कस्बा थाना क्षेत्र के बनेली गांव से लापता बालक मणिकांत शर्मा का कंकाल पटवा खेत से बरामद हुआ है। पटवा खेत में कंकाल के साथ कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे, जिसे देखकर परिजनों ने मणिकांत शर्मा की पहचान की और कस्बा थाना पुलिस को तत्काल इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद कस्बा थाना पुलिस ने कंकाल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। किंतु इसी बीच गांव में बालक मणिकांत की मौत पर कुछ लोगों ने राजनीति प्रारंभ कर दी है, जिससे गांव के अधिकांश लोग काफी आक्रोशित हैं। दरअसल मणिकांत शर्मा के अपहरण की खबर से गांव वालों की सहानुभूति मनोज शर्मा के प्रति थी और लोग चाह रहे थे कि मनोज शर्मा को न्याय मिले और मणिकांत सकुशल बरामद हो सके, साथ ही अपहरण करने वाले छोटू कुमार शर्मा पर सख्त कार्रवाई भी हो। किंतु इसी बीच मनोज शर्मा ने छोटू शर्मा को छोड़कर एक बुजुर्ग चिरंगीलाल विश्वास एवं उनके परिवार के चार लोगों को अपहरण और हत्या मामले में अभियुक्त बना दिया, जबकि चिरंगीलाल विश्वास इतना बुजुर्ग हो चुके हैं कि वे चल फिर भी नहीं सकते हैं। गांव वालों के मुताबिक मनोज शर्मा अपने पुत्र की मौत मामले में जानबूझकर निर्दोष चिरंगीलाल विश्वास एवं उनके परिवार वालों को अभियुक्त बना दिया है, क्योंकि चिरंगीलाल विश्वास से दोनों का पुराना जमीनी विवाद चल रहा था। ऐसे में मनोज शर्मा ने इंसानियत को तार तार करते हुए मुख्य अभियुक्त छोटू शर्मा को छोड़कर चिरंगीलाल विश्वास को फंसाने की साजिश रची है, जो कहीं से उचित नहीं है। न्यूज कवरेज के दरमियान पहले दिन मनोज शर्मा एवं उनकी बड़ी पुत्री एवं छोटा पुत्र ने खुद ही स्वीकार किया था कि छोटू शर्मा ने उन लोगों को मैंगो जूस में जहर मिलाकर पिलाया था, जिसे आप भी सुन सकते हैं। आप खुद सुन लीजिए मनोज शर्मा और उनकी बड़ी बेटी एवं छोटा बेटा क्या कह रहा है। क्या सब बोला था? वो बोला था पीने, बोला था पी लिए थे। क्या पिया था? मैंगो का जूस। मैंगो का जूस? हाँ। कितना गिलास पिया था? एक ही गिलास। अच्छा, पीने के बाद क्या हुआ? पीने के बाद गए उसका खेलते थे, खेलने के बाद गिरे, कोई कौन मुझे उठा के लेके आया पता नहीं, कुछ पता नहीं चला। तुम्हारे साथ में और कौन कौन था? कोई नहीं। एक तो तुम्हारा और भाई था ना? हाँ। वो ही पिया था ना? हाँ। वो कितना पिया था पता ना, वो उसको मंदिर के पास ले जाके पिलाया था, उसको अलग ले जाके पिलाया था। अच्छा, वो जो भाई तुम्हारा नहीं मिला उसका क्या नाम है? मनीष, मणिकांत कुमार। मणिकांत कुमार। पापा का नाम बताओ? मनोज शर्मा। क्या हुआ था उस दिन? भैया कभी नहीं पिलाता था, मतलब वो बोला क्या मजा आप लोग पिएगा, हम बोले हाँ, तो बाजार से खरीद करके लाए, गाड़ी से गए खरीद करके लाए, और जब लाए खरीद करके तो सील उसका टूटा हुआ था, तो हम उसको पूछे क्या भैया जब हम लोग भी खरीदते हैं तो इसमें सील तो लगा हुआ रहता, आप लाए तो टूटा हुआ, तो वो बोला क्या ऐसे ही दिया हमसे, हमको निकाल करके फ्रिज से, तो हम बोले क्या आप भी लीजिए ना, वो कौन चीज़ बोला पहले आप लोग पी लीजिए उसके बाद हमको दीजिएगा, हम एक गिलास पिए और मेरा छोटा भाई दो गिलास पिए, और उसके बाद हमको थोड़ा सा हम पी करके थोड़ा सा सो गए, और उसके बाद चक्कर आने लगा खुब्बे, तो फिर ढेरिए सारा उल्टी हुआ रात तक 12 बजे, मतलब 8 बजे से लेके 12 बजे रात तक, और ये उल्टी करते करते बेहोश हो गए। अच्छा, और वो नहीं पिया? नहीं, हम फिर वो बोला क्या आधा रख देना मेरे लिए, फिर आधा रख लिए, फिर वो मांगने लगा, फिर दिए और बोले क्या फिर बोतल दे दीजिएगा हमको काम है, फिर हमको नहीं बोतल दिए नहीं पीने दिए, लेके कहाँ चले गया पता नहीं, और उसको मनीष को वहाँ पे रख करके आ गए मंदिर के पास, उसको सारा वही मनीष को पिला दिया, वो नहीं पिया, बोतल उधर ही फेंक दिए। तो बच्चा कहाँ है अभी? नहीं पता। अच्छा, जो पिला रहा था वो कौन है? भाई लगेंगे। कैसा भाई लगेगा? बड़ा पापा का बेटा, बड़ा दादा का बेटा। का बड़ा दादा का बेटा है, क्या करता है आपको पता नहीं? दिल्ली में रहता है उसको। दिल्ली में ही रहता है? हाँ, कभी नहीं आता था, बस पहली बार यहाँ। पहली बार यहाँ आया? हाँ। तो वो बच्चा को कहीं लेके भाग तो नहीं गया साथ में? वो पता नहीं, कई दिन से नहीं मिल रहा है, आज 3 दिन हुआ। हाँ। भाई भी नहीं मिल रहा जो पिलाया था? हाँ। वो भी नहीं मिल रहा? वो भाग गया। वो भाग गया? हाँ। ये बताइए कि जो लड़का पे आरोप लगा रहे हैं कि वो उठा के ले गया है या नशा में काम करता है, वो तो वो आपका कौन लगता है? सर वो चचेरा भाई है। चचेरा? और वो जो उठा के ले गया है बच्चा का, वो कहाँ चला गया सर पता नहीं है। तो आप लोग को ये पता नहीं था कि उसका इस तरह से धंधा चलता है ड्रग्स का, बाकी शराब का और कुछ का? हमको पता नहीं था सर। तो अभी कैसे पता हो गया? अभी हमारा बेटा को जब ले गया तब पता चला सर। घर से कितना दिन से लापता था आपका वो सब? वो सब तो बहुत दिन से लापता है। हम तो शाम को आते हैं काम करके आए हैं,
बोला छोटू आया तो खाने के लिए दे दो, चले जाएगा, वो गया नहीं सर, फिर हम काम करने के लिए चले जाते हैं। दिल्ली में कौन काम करता है आप लोगों को पता है? नहीं, हम सर नहीं जानते हैं उसको। मैं नशा गिरोह में तो नहीं है? नहीं, आपकी पता, हमारा नहीं जानते हैं हम उसको। मैं ये सब नहीं जानते हैं? नहीं। बच्चा आपका में नहीं ना मिला अभी? नहीं, उसका भाई बच्चा घर से लाया है उसको। बच्चा हम एक ठो नहीं मिल रहा है? नहीं, पिलाया था तीन ठो को। हाँ। तीनों आप ही का था? हाँ। क्या नाम है आपका? सरिता देवी। वहीं मनु शर्मा ने भी स्वीकार किया था कि उसके पुत्र मणिकांत को छोटू ने ही गायब किया है, किंतु बाद में मनोज शर्मा ने इस बुजुर्ग दंपति को अभियुक्त बना दिया, जिसके कारण गांव वालों की मनोज शर्मा के प्रति सहानुभूति खत्म हो गई और गांव वाले अब चिरंगीलाल विश्वास को न्याय दिलाना चाहते हैं। यही वजह है कि गांव वाले कह रहे हैं कि मनोज शर्मा ने इस मामले में चिरंगीलाल विश्वास का नाम देकर बहुत ही गलत किया है। पहले आप चिरंगीलाल विश्वास एवं उनकी पत्नी का बयान सुन लीजिए, फिर गांव वाले क्या कह रहे हैं उसे भी आपको सुनाते हैं। ये जो हत्या वाला जो मामला है, उसमें आपका नाम दिया है क्या, किसी और को दिया है? हमारा नाम दिया है, परिवार से दिया है सब। आपका नाम और आपके परिवार के कितने लोगों का नाम दिया है? चार आदमी। महिला सबको भी दे दिया है? हाँ। अच्छा, क्यों दे दिया? यही जगह जमीन के मामला में 10-15 साल से केस चलता था। 10-15 साल से? हाँ। किसके साथ केस चल रहा है आपका? मनोज शर्मा के साथ। हाँ। ये कितना जमीन का मामला है जो विवाद चल रहा है? 8 डिसमिल जमीन का। हाँ, तो अभी उसका फैसला नहीं हुआ है? पर्चा हमारा नाम से। तो आप पर इस मामले में क्या क्या आरोप लगा दिया है? यही मारा है, उठा लिया बच्चा का। तो पहले से बोल रहा था कि छोटू उठाया है, जहर छोटू खिलाया है? जहर तो छठवे खिलाया। तो उसका नाम काहे छोड़ दिया? आपका नाम काहे डाला? कैसे छोड़ दिया? दुश्मनी से। दुश्मनी से ऐसा किया है? हाँ, दुश्मनी से एकदम। हम तो चल नहीं ना सकते अपने। आप चल नहीं पाते हैं ना? दमा का बीमारी, ब्लड प्रेशर, इलाज भी चलता है अरविंद कुमार। तो आप खुद नहीं चल पाते हैं? हाँ। और आपका नाम दे देगी, यही हत्या किया है? हाँ, हमारा नाम दे। क्या नाम है आपका? चिरंगी विश्वास। ओ, घर कहाँ हुआ? बनेली सिंह। जो बच्चा का डेथ हुआ है, सही, उसमें किसका किसका नाम है? वो बच्चा का जो छोटू शर्मा जहर पिलाया कि ठंडा पिलाया, तो वो छोटू शर्मा को हम लोग दोनों, हमारा भतीजा, हम पकड़ के रखे कि बोले कि नहीं यही पिलाया है तो इसको पकड़ के रखो। तब तक मैं मनोज शर्मा फ़ोन किया कि वो मेरा अपना आदमी है, उसको छोड़ दीजिए। हम छोड़ दिए उसको। और दूसरी बात हो गया कि बेटा मैं तो गरीब है, बुढ़वा तो जाइए रहा है, और ज़मीन का मामला से हम 20 साल से लड़ते थे। हाई कोर्ट पटना लड़े, कलेक्टर लड़े, डीसीलाल लड़े, सारे से जजमेंट ले करके घर में धर दिए। फिर भी अमीन सरकारी नपा बोला कि आप पिलर खुट्टा उखाड़ दिए हैं तो दरोगा जाएगा, आपका नापला जोखला जो हम किए हैं वो आपको दे देगा। हम लोग कुछ नहीं बोले। वो छोटू शर्मा को जो घर में रखा तो वो ही रखा 5 दिन से, और आप धमकी देता है कि आपको चारों आदमी को दे दिए और आपको बचना कोई संभावना नहीं है। आपका नाम सही में दिया है या फिर ऐसे ही? नहीं, सही दिया है, पेपर में भी है। अभी हमारा समधी भी फोन किया। तो उसको तो जहर तो छोटू खिलाया था, वो तो पहले बयान दिया था। हाँ, खिलाया है छोटू। आप परेशान करता है, हमारा बताता है कि कल कहता था कि तुम्हारा घर में आग लगाएंगे, तोरा जो बेटा है अनिल विश्वास को उसको मर्डर करेंगे, वो जहाँ रहेगा ये बात भी बोला। यहाँ पर आप अटैक करना चाह रहा है? हाँ। कितना आदमी का नाम दिया आपके घर का? उस हमारा घर का तो चारों आदमी के दे दिया है सर, बेटा को दिया, पुतोह को दिया, हमरा दिया, बुढ़वा को दिया। और छोटू को? छोटू को नहीं दिया है, जो पियाया खिलाया उसके घर में रखा सर। कुत्ता आया, जो कुत्ता उसी का घर में गया, मेरा दरवाज़ा भी नहीं आया। वो बोलता है कि कुत्ता को तो आप सिखा दिए,
तही कौन सिखा दिया कुत्ता को? हमरे देख बोलता है कि आप कुत्ता को सिखा दिए तही तुम्हारे यहाँ नहीं गया। अच्छा, आप कुत्ता को सिखाने जानते हैं? हम कुत्ता तो उसके हाथ में हम क्या सिखाएंगे, जब तीन थाना का दरोगा है तो हम बूढ़ा आदमी क्या सिखाएंगे। पुलिस पुलिस को ऐसा बात बताए नहीं आप? नहीं, बोलने तो नहीं दिया सर, और ऐसा कर दिया कि मेरा दिशा नहीं है, बुढ़वा खुद ही मर रहा है और फिर भी ऊपर से आग डालता है, आग लगा देंगे, जला देंगे। अच्छा, तो गांव वाला आपके समर्थन में नहीं है? गांव वाला थोड़ा किया, पहले तो बच्चे के बारे में सब तय था, अब गांव वाला फिर भी दिमाग लगाता है कि ये निर्दोष के सबको जे घेसेट लिया है, अब गांव वाला कुछ अपना दिमाग लगाता है कि नी नी आदमी का उसकी हाथ में पैसा है नहीं कौड़ी है, बूढ़ा बूढ़ी खाता था, आखिर क्या करेगा। अच्छा, क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। दरअसल गांव वाले चाहते हैं कि मणिकांत शर्मा हत्या मामले में पुलिस छोटू शर्मा पर कार्रवाई करे और चिरंगीलाल विश्वास गलत नहीं किया है, इसीलिए इन्हें न्याय मिलना चाहिए। क्या किया है? ये लोग निर्दोष है और पुलिस इसका छानबीन करे, जो आरोपी है उसको पकड़ा जाए। तो कौन इसमें दोषी हो सकता है? दोषी तो वही छोटू शर्मा है जिसको ने वो रखा था घर में। तो छोटू का नाम क्या छाड़ दिया? लोग वही जमीन का विवाद था पहले से, इसी कारण दिया। तो पुलिस जब जांच में आएगी तो आप लोग बतलाएंगे ना सही बात? हाँ, बतलाएंगे। अच्छा, आप लोग बताइए, जब पुलिस जांच में आएगी तो आप लोग सही बात बोलेंगे कि नहीं? खुल के बताएंगे, पूरा समाज साथ देंगे। हाँ, जो बूढ़ा बूढ़ी है, हाँ, जबरदस्ती फंसाया गया तो बोलेगा नहीं तो? ये चल फिर नहीं पा रहा, दूसरे का हत्या कैसे करेगा, तो सब बोलेगा। ये तीनों भाई का, दो भाई और भाई दिन खाया पिया उसके यहाँ रहा, जब सब जानता है कि ठंडा उंडा सब उसी के यहाँ पिया है, एक बच्चा यहाँ बेहोश हो गया, दूसरा को जाके मंदिर में पिलाया, तो बोलेगा ना? सब देखा है, ये जाके खुद उठाया उन लोगों को, बचवा को। ऐसे में जिस तरह से गलत सही लोगों को फंसाएगा, गलत आरोप लगा करके, तो न्याय उनको मिल पाएगा? बच्चा को न्याय मिले नहीं मिले, लेकिन इनको मिलना चाहिए ना, इनको न्याय मिलना चाहिए। आप लोगों को क्या लग रहा है कि ये लोग हो सकता है उसमें शामिल? नहीं नहीं, ये लोग पूरे शामिल नहीं है, वो तीन जने का पिलाया है, वो पेप्सी ला करके तीनों जन, उसका बहन को और भाई को, दोनों भाई को, और वहाँ मंदिर में पिलाया है, काली मंदिर में। नाम इनका क्या दे दिया था? अब इसका क्या दे दिया, वही जमीन का लिए। तो जब पुलिस में जांच में आएगी पुलिस, तो आप लोग बताएंगे ना सही बात? हाँ, बताएंगे। क्या आप लोग सही बात बोलेंगे कि नहीं? हाँ, सही बोलेंगे। क्या सही क्या है? सही तो जबरदस्ती फंसा दिया सर। जबरदस्ती फंसा दिया? हाँ। आप लोग को लगता है की इस उम्र में ये हत्या कर सकता है? आप लोग कैसा, कौन कौन बच्चा को कौन मारा था? वही छोटू, क्या पिलाया सर, दो बच्चा घर में गिर गया, बेहोश हो गया, एक को पूर्णिया उठा करके ले गया और दूसरा बच्चा को काली मंदिर में सुता करके रखा था। तो छोटू का नाम हटा दिया है, दूसरे का नाम डाल दिया? दूसरे का नाम डाल दिया है। तो जब पुलिस पूछने के लिए आगे तो आप लोग बोलेंगे ना? खूब बोलेंगे, उसका अपना भतीजा है ना। इस जो बुजुर्ग दंपति है, इनके साथ गलत हुआ या फिर क्या हुआ रहा है? इसका साथ सर पहले से जमीन जगह का झमेला चलता था, और वो छोटू शर्मा को ला कर पाँच जो रखा तो छड़ वाले एक मंदिर में बच्चा को क्या पिलाया नहीं पिलाया, वही रोज से बच्चा उसका एक तो वहाँ बेहोश होकर वो पड़ा हुआ है, और दूसरा बच्चा जो घर में पिलाया तो इसको लेकर पूर्णिया भागा, रात भर पानी उनी चढ़ा कर उसको होश करके लाया गया। सवेर में वो बच्चा बोलने लगा कि नहीं, हमको ठंडा पिलाया था, उसी में क्या डाला नहीं डाला, उसी से हम लोग बेहोश। इनको जो फंसाया है चिरंगी विश्वास को, जबरदस्ती फंसाया है भाई, जमीन जगह का पहले से झमेला था, और वही झमेला में इसको शान दिया, उसको छोटू को हटा दिया, जो मुख्य आरोपी था उसको, हाँ, हटा, उसको दिया। हटा दिया। तो अब जो पुलिस जब जांच के लिए यहाँ आएगी, पूछताछ करेगी, तो आप लोग सही बात बोलेंगे कि हाँ, नहीं बोलेंगे? सही बात बोलेंगे, सही बात बोलने में क्या लगा? आपको लगता है कि उस उम्र में वो किसी? ना ना नहीं, तो जबरदस्ती उनको फंसा, चल फिर नहीं सकता है, वो जबरदस्ती उसको फंसाया गया है। अच्छा, जबरदस्ती फंसाने का जमीन विवाद ही है? जमीन विवाद ही है पहले से, 10-15 साल से जमीन विवाद ही चल रहा है। अच्छा, तो क्या लगता है कि उनका पुत्र मर गया, उस बात का गम नहीं है उनको, और ये दूसरे को फंसाने में वो दिमाग लगा रहा है? दिमाग लगा रहा है, किसी तरह फंसा कर जमीन अपना बना ले, यही सब विवाद है।
क्या नाम है आपका? सुखदेव विश्वास। बहरहाल मामला पुलिस अनुसंधान में है, उम्मीद है पुलिस निर्दोष लोगों को जरूर ही न्याय देगी और जो दोषी हैं उस पर सख्त कार्रवाई करेगी।